सीए मोहित पुनेट, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स कपशप में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि क्या ये जो एक्सटेंशन हुई है इससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस की डेट जो है एक्सटेंड हो चुकी है, 9 सितंबर 2021 को जो है ये डेट एक्सटेंड कर दी गई थी इनकम टैक्स रिटर्न्स की, जो कि काफी ज्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनी हुई थी इस सितंबर मंथ के लिए। इस सितंबर मंथ में बहुत ज्यादा प्रेशराइज जो है, हम कहें एज अ प्रोफेशनल, एज अ सैलरीड क्लास, सब जो है प्रेशर में थे कि किस तरीके से जो है इनकम टैक्स रिटर्न जो है फाइल करी जाए, राइट। तो सबसे पहले मुबारकबाद की डेट बढ़ गई है, ये आप सब सब जान चुके होंगे। लेकिन मुद्दा ये है कि क्या ये डेट एक्सटेंशन हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है, राइट। इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डेट एक्सटेंड होना किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है, क्या हमें फायदा दे सकता है और क्या हमें नुकसान दे सकता है। ये बहुत ही जानने वाला विषय है। क्यों है? क्योंकि इससे हमारे आगे के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आगे के कौन कौन से काम हैं, उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें ये भी जानना जरूरी है कि सीधा इतनी लंबी एक्सटेंशन, अगर हम कहें 30 सितंबर की डेट को बढ़ा के सीधा 31 दिसंबर तक ले जाना और कुछ डेट को नेक्स्ट फाइनेंशियल नेक्स्ट जो है कैलेंडर ईयर में ले जाना, तो ये सारी जो एक्सटेंशन इतनी लंबी करी है इसके पीछे क्या जो है रणनीति हो सकती है, गवर्नमेंट ने इतनी सीधा इतनी लंबी डेट 3-3 महीने डेट क्यों बढ़ाई होगी, ये सारी चीजें जो है बहुत मैटर करती है। कहीं ना कहीं जो ये नई वेबसाइट, नई अगर हम कहें हमारा जो नया पोर्टल डिजाइन किया गया, इसमें इतनी सारी एन नंबर ऑफ क्वेरीज, आप हम सब जानते हैं कितनी ज्यादा इसमें प्रॉब्लम रही, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इज नॉट डेट एक्सटेंशन। बेसिकली डेट एक्सटेंड कर देना, क्या आप भी हमें हम सोचते हैं कि डेट एक्सटेंड हुई ठीक है हमें फायदा मिल गया, लेकिन इसके पीछे के बैकग्राउंड को समझें कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट को जो प्रेशर पड़ रहा था और जो आगे वो फॉरवर्ड कर रही थी इन्फोसिस को, वहां पे उनके डेट एक्सटेंड को कर देना ठीक है कि कहीं ना कहीं डेट एक्सटेंड होगी, हमें कहीं एक महीने का जो हमें टाइम मोटा मोटा, अब हमारा एक महीना भी नहीं कह सकते, एक महीने से भी कम टाइम हमारा रह गया था बहुत, और नंबर ऑफ रिटर्न्स जो है फाइल होनी थी और ऑल ओवर इंडिया जो है फाइलिंग होगी, तो उस तरीके से पोर्टल किस तरीके से रिएक्ट करेगा तो बहुत मुश्किल था। और उस डेट को जो है एक महीने से हम कह सकते हैं एक्सटेंड करके, अगर एक महीना भी नहीं, अगर हम कहें तो 21 दिन ओवरऑल हमारे रह गए थे और 21 दिन से बढ़ाकर सीधा 3 महीने 21 दिन जो है डेट एक्सटेंशन करना, गवर्नमेंट को तो टाइम मिल गया लेकिन उससे इम्पैक्ट कहाँ का है। हम अगर 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 हम कहें आप सैलरीड क्लास हो, अगर 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 आप बिजनेस एंटिटी हो या टैक्स पेयर हो या आप कंसल्टेंट हो, प्रोफेशनल हो, तो कहाँ कहाँ हमारे लिए ये चीजें इम्पैक्ट कर सकती हैं, हमारे लिए डे टू डे जो रूटीन वर्क है उसको कैसे इम्पैक्टेड कर सकती हैं, तो इसके लिए अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग इम्पैक्ट पड़ेंगे। पहले हम एक बार नजर डाल लेते हैं कि क्या क्या डेट एक्सटेंड हुई थी, इसके बाद हम एरियाज वाइज डिस्कशन करेंगे कि कौन से एरियाज में डेट एक्सटेंशन का किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ सकता है। अभी तक हम जस्ट ये सोचते हैं कि डेट एक्सटेंड हो गई, ठीक है जी डेट एक्सटेंड हो गई और आगे हम उस चीज को जो है बाद में कवर कर लेंगे, लेकिन उससे इम्पैक्ट क्या क्या एरिया हो सकते हैं वो जानना भी बहुत जरूरी हो सकता है। अदरवाइज वो हमारे ग्रोथ को इम्पैक्ट भी कर सकती है, तो ग्रोथ इम्पैक्टेड हो गया हमारा रेवेन्यू जो है इम्पैक्ट हो सकता है, तो उस एरियाज को भी जानना हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उससे पहले एक बार हम नजर मार लेते हैं जो डेट एक्सटेंड हुई थी उसमें बेसिकली करा क्या गया था। तो उसमें बेसिकली सर्कुलर नंबर 9/2021 जो कि 20 मई 2021 में को जो इशू करा गया था, उसमें जो डेट स्पेसिफाइड करी गई थी, उसमें जो डेट्स जो है बढ़ाई गई थी, उसको फर्दर जो है एक्सटेंड कर दिया। इस सर्कुलर में जो डेट थी, सर्कुलर नंबर 9/2021 में जो सीबीडीटी ने इशू किया था 20 मई 2021 को, इसमें जो डेट स्पेसिफाइड थी इसको बढ़ा दिया था। और क्या डेट कर दी, 9 सितंबर 2021 को जो है 7:24 PM पे जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में जो है यहाँ इंफॉर्मेशन डाली जाती है कि किस तरीके से कौन कौन से केसेस में जो है डेट जो है सीबीडीटी द्वारा जो है एक्सटेंड कर दी गई। तो इसमें अलग अलग सिचुएशन बताई गई कि जुलाई की जिसकी डेट थी उसको सर्कुलर नंबर 9/2021 ने डेट जो है 30 सितंबर तक किया था,
और इस सर्कुलर ने उसको 31 दिसंबर तक कर दिया। उसके बाद जो है फर्दर ऑडिट वाले केसेस में जो है 30 सितंबर की जगह वहां सर्कुलर नंबर 9/2021 ने 31 अक्टूबर कर दिया था, और ये जो अब इशू हुआ है और यहाँ पे अब जो है इसको 15 जनवरी 2022 तक जो है एक्सटेंड कर दिया। तीसरे केसेस में जो रिपोर्ट फ्रॉम अकाउंट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के केसेस में जो है सेक्शन 92E के तहत जो टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब थी उसको भी बढ़ाकर जो है 30 नवंबर तक कर दिया था, और फर्दर अप कर दिया 31 जनवरी 2022। राइट, तो अगर अलग अलग स्लैब के हिसाब से अलग अलग डेट की एक्सटेंशन कर दी, 31 अक्टूबर के केस में जो है वहां पे पिछले सर्कुलर में बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया था, और अब जो है 15 फरवरी 2022 कर दिया। तो ये सारी डेट्स तो आपके ऑलरेडी आपको मिल चुकी होंगी, आपने देख ली होंगी कि ये सारी डेट की एक्सटेंशन हुई है। हमें जो बात करनी है इससे आगे की बात करनी है कि ये जो डेट एक्सटेंशन है ये हमें इम्पैक्टेड कैसे करेगी एज अ सैलरीड क्लास एम्प्लॉई, एज अ टैक्स प्रोफेशनल, एज अ कंसल्टेंट, एज अ बिजनेस एंटिटी, हम सबको कैसे इंपैक्ट कर सकती है ये जानना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हम जस्ट रिलैक्स हो जाएं कि डेट एक्सटेंड हो गई और हम अगर इस दायरे को नहीं समझेंगे तो पता लगे हमें कहीं ना कहीं फाइनेंशियली लॉस हो रहा हो। राइट, तो ये सारी हमने एक्सटेंशन एक बार ओवरव्यू कर ली। राइट, बिलेटेड रिटर्न के केसेस में जो है 31 दिसंबर तक जो डेट थी उसको फर्दर बढ़ाकर जो है 31 जनवरी 2021 से अब फर्दर इसको बढ़ा के 31 मार्च 2022 तक की एक्सटेंशन कर दिया है। और यहाँ पे ये वाला ये जो पॉइंट है इसको समझना भी बहुत जरूरी है, जहां पे एक्सटेंशन ऑफ डेट के लिए पिछले जो सर्कुलर 9/2021 में भी यहाँ पे एक लास्ट में कंडीशन लगा दी थी, इस कंडीशन को अगर ध्यान नहीं दिया तो आप इस बार जरूर देख लीजिए। ये हमने डिटेल में वैसे ऑलरेडी सर्कुलर जो है ये सर्कुलर 9/2021 हम वैसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। राइट, इसका जो ये क्लैरिफिकेशन थी इसके ऊपर हमने टाइम भी लगाया था कि किस केसेस में जो है अगर टैक्स लाइबिलिटी हमारी नेट टैक्स लाइबिलिटी 1 लाख रुपए से ऊपर है तो उस केस में जो है एक्सटेंशन जो है नॉट एप्लीकेबल हो जाएगी, और एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 234A के तहत जो है हमारे ऊपर उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है 1% के हिसाब से चार्ज होगा। ये हमने वहां पे डिटेल में डिस्कशन करी थी, यहाँ पे भी सेम वही पॉइंट जो है डाला गया है। ये पॉइंट नंबर 9, 12 और 13 जो पिछले सर्कुलर में थे यही सेम जो है यहाँ पे भी हमारे 9, 12 और 13 को भी कवर करा गया है, और यही सेम जो 9, 12 और 13 में पॉइंट कवर करे गए थे इस वाले सर्कुलर में क्लॉज नंबर 1, 4 और 5 में कवर करे हैं, और सेम लिखा गया है कि ये जो डेट एक्सटेंड मतलब ये जो फर्दर डेट एक्सटेंड करी गई है ये भी एप्लीकेबल नहीं होगी, अप्लाई नहीं होगी टू द एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 234A, मतलब इसमें भी इंटरेस्ट चार्ज होगा अगर जो है लाइबिलिटी जो है 1 लाख रुपए से ज्यादा आती है। राइट, जो हमारी लाइबिलिटी लेस करने के बाद अगर हमारा TDS TCA वो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद हमारी नेट पेमेंट जो हमें करनी है वो अगर 1 लाख रुपए से ऊपर की लाइबिलिटी आती है तो उसके ऊपर जो है 234A का जो है इंटरेस्ट लेवी होगा। ये हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं और दोबारा मैंने रेफर कर दिया है। राइट, तो अब हमारा हम मोटा मोटा कह सकते हैं कि पुराना सर्कुलर हमने रेफर करा ही हुआ था, नहीं हम ऑलरेडी आपने पहले भी ये देख ली होंगी क्योंकि इतना ज्यादा इसके रिगार्डिंग जो है व्हाट्सएप वगैरह में सब जगह इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि डेट एक्सटेंड हो गई। राइट, तो ये सारी हमारी जो है नॉर्मल डिस्कशन है जो हमें पता है। राइट, कि डेट कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हो गई। राइट, अब हमें जो मेन बात करनी है, जो मुद्दे की बात करनी है, वो ये बात करनी है कि क्या ये एक्सटेंशन गवर्नमेंट तो अपनी साइड से एक्सटेंड कर देती है, हमारे लिए क्या क्या इंपैक्टेड है, हमें भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा एज अ सैलरीड क्लास, एज अ बिजनेस एंटिटी, एज अ टैक्स प्रोफेशनल, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, जो भी हम सब प्रैक्टिस में जो हम इन सब में डील कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, हमें कैसे ये इंपैक्ट कर सकती है, इसको जानने के लिए हम पहले एक नजर और मारते हैं कि हमारे लिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। मैं एक बार वो कॉन्सिक्वेंसेस दिखाता हूं, अगर इन केस हम अगर अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते उस केस में हमारे लिए क्या हो जाते हैं, इफ वी डिड नॉट फाइल इनकम टैक्स रिटर्न विद इन ड्यू डेट। राइट, हम तो अब तो डेट एक्सटेंड हो गई, लेकिन एक बार समझना जरूरी है कि कौन कौन से अगर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो जाते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेज एक तो PGBP और कैपिटल गेन का लॉस जो है हमारे को कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं होता। राइट, उसके अलावा 234F का जो 1,000, 5,000 और 10,000 का जो इंटरेस्ट लगना होता है वो हमारा जो है जिसको हम एक तरीके से कई बार लेट फी भी नाम देते हैं तो वहां पे हमारा वो भी लेवी हो जाता है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकती है हमारे सेक्शन 144 के तहत, और नोटिस इश्यू हो सकता है सेक्शन 141(1) के तहत जो है हमें, तो हम फिर जो हमें रिटर्न फाइलिंग करनी पड़ेगी वो रिटर्न अंडर सेक्शन रिटर्न इन रिस्पांस टू नोटिस अंडर सेक्शन 142 करनी पड़ेगी। राइट, तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर हम रिटर्न फाइल नहीं करते तो। एग्जम्पशन जो है हमें सेक्शन 11(13A) की जो है वहां पे उस केस में नहीं मिलेगी। सेक्शन 80AC का जो जो है
नो प्रॉफिट लिंक डिडक्शंस जो हमारी रहती हैं वो हमें अलाउ नहीं होंगी। प्रॉफिट लिंक डिडक्शंस हमें अलाउड होती हैं वो भी हमें सेक्शन 80 एसी के तहत जो हमें जो डिडक्शंस अलाउड होती है प्रॉफिट लिंक की वो भी अलाउड नहीं होंगी, राइट। ये तो हमने वैसे रिटर्न अपडेट भी बढ़ गई है और रिटर्न फाइल करेंगे, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज हमने ये डिस्कशन कर ली कि अगर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं अगर हम रिटर्न फाइल नहीं करते, लेकिन हमने तो करनी है, राइट। तो अब हम नेक्स्ट मुद्दे पे पढ़ते हैं कि कैसे गेटिंग डिलेड इन ITR फाइलिंग बाय एक्सटेंडेड ड्यू डेट, राइट। हमारे को किस किस तरीके से जो है गेटिंग डिलेड इन रिटर्न फाइलिंग बाय एक्सटेंडेड ड्यू डेट, ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई, राइट, हम रिलैक्स्ड हो गए कि डेट भाई बढ़ गई, अब 3 महीने डेट बढ़ गई, हम जो है इसको मुद्दे को बाद में देखेंगे, पोर्टल चल नहीं रहा। लेकिन हमें समझना होगा कि कौन से क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। पहले तो हमें समझना होगा कि डेट इतनी सीधा 3 महीने की एक्सटेंशन क्यों हो सकती है, राइट, 3 महीने की एक्सटेंशन। अब 3 महीने की एक्सटेंशन के केस में गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलना था, गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं उस तरीके से कैलकुलेशन भी चलती होगी, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो प्रेशर पड़ा गवर्नमेंट को, इतना प्रेशर पड़ा कि उसको लगा कि यार नया पोर्टल हमने बना लिया, हमने इसके ऊपर वो भी डिस्कशन किया था कि 4242 करोड़ जो है इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है लगाए गए हैं, तो इसके ऊपर इतना अमाउंट स्पेंड किया गया है, और जो पिछला पोर्टल था वो अच्छा खासा चल रहा था, उसमें कोई एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और मॉडिफिकेशन कर देते अगर एग्जिस्टिंग पोर्टल में तो वो ज्यादा बढ़िया था, और उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट भी आए, काफी लोगों ने जो है उसको जो है उसके बारे में बताया कि ये बात भी सही है कि पुराने पोर्टल में अगर मॉडिफिकेशन कर देते तो वो ज्यादा अच्छा था। माना कि इसमें कुछ फैसिलिटीज एड ऑन करी गई हैं, लेकिन बेटर ये था कि उस पुराने उसमें पोर्टल में ही एड ऑन कर सकते थे, राइट, उसमें एड ऑन कर देते तो किसी को सफर भी नहीं होता और कहीं ना कहीं जो है बढ़िया रहता। तो ये सारी चीजें यहाँ पे 3 महीने गवर्नमेंट ने जो है एक तरीके से जो है टाइम दे दिया इंफोसिस को, राइट, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने हमें नहीं टाइम दिया, इसको ध्यान से समझो। हम कहते हैं कि डेट एक्सटेंड हो गई, हम रिलैक्स्ड हो गए, गवर्नमेंट ने हमें 3 महीने वो टाइम दे दिया, नहीं, गवर्नमेंट से जो कहीं ना कहीं इंफोसिस से काम नहीं हो पा रहा, वो सारे जो है इतने प्रेशर पे जो है सीधा 3 महीने डेट बढ़ा दी कि भैया वो बैकएंड पे काम चलता रहेगा, और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है हम सोचते हैं कि हमारे लिए जो है गवर्नमेंट ने 3 महीने टाइम बढ़ा दिया। तो ये समझने वाली बात है कि किस इतना टाइम बढ़ाना किसके ऊपर क्या रीजन हो सकता है इस तरीके से एक्सटेंशन का, ठीक है, राइट, रीजन तो गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात रही। अब हमें क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लो ये सितंबर मंथ में ही ये ड्यू डेट ना बढ़ती और हम सितंबर मंथ में ही जो है इसकी फाइलिंग करते और पोर्टल मान लेते हैं इंस्टेड ऑफ डेट एक्सटेंशन ये पोर्टल में जो है पोर्टल सही हो जाता, राइट, एक लेके चलते हैं, अब तो सिचुएशन दूसरी है कि डेट एक्सटेंड कर दी, मान लेते हैं अगर पोर्टल सही कर देते और डेट एक्सटेंड नहीं होती तो हमें क्या करना पड़ता। हम अगर अपने आप को एज अ टैक्स प्रोफेशनल लेके चलें या एज अ सैलरीड क्लास या बिजनेस एंटिटी, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हमें विद इन ड्यू डेट जो है फाइलिंग करनी है, राइट, हम प्रेशर में आते, रात दिन लगाते उसके ऊपर फाइल करते, राइट, अपने जैसे तैसे अपना 31 जो भी हमारी ड्यू डेट थी, पहले जो ड्यू डेट थी उस डेट तक हम अपनी फाइलिंग करते, तो हमारे जो आगे के प्रोस्पेक्ट होते वो इंपैक्टेड नहीं होते, हम जो आगे के हमने फर्दर जो काम करना होता वो इंपैक्टेड नहीं होता, ठीक है, हमें टाइम मिला, अच्छी बात है, ठीक है। कई केसेस में जो है ये फायदेमंद रहेगी एक्सटेंशन, मैं किसी उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, एक्सटेंशन कई केसेस में फायदेमंद रहेगी, अभी हम देखेंगे, इसको डिस्कशन करेंगे इंडस्ट्री वाइज, मतलब कैटेगरी वाइज इसको हम डिस्कस करेंगे कि सैलरीड क्लास के केसेस में क्या फायदा रहेगा और बिजनेस क्लासेस के केस में हमें क्या आगे करना चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो में हमने यही डिस्कशन करना है कि हमें आगे का टास्क इसके हिसाब से किस तरीके से प्लान करना चाहिए, अभी हम उसके ऊपर प्लानिंग के ऊपर पार्ट बात भी करेंगे, लेकिन हमें ये समझना होगा कि इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा। इम्पैक्ट ये पड़ा कि आज हम जो सितंबर में काम करने वाले थे, मान लो ये अगर मान लेते हैं जिस केसेस में हमारी 30 सितंबर जो है ड्यू डेट थी, राइट, तो 30 सितंबर हमारी ड्यू डेट थी, तो हमारा जो इसके बाद जो हम अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो काम करते, राइट, नवंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इस क्वार्टर में, पूरे क्वार्टर में जो हम काम करते, अब हम क्या करेंगे, या ये वाला काम जो है इसमें हम थोड़े से रिलैक्स्ड हो गए और ये वाला काम हमारा थोड़ा सा अक्टूबर में जाएगा, थोड़ा सा नवंबर में जाएगा, जो जनरल प्रैक्टिस के हिसाब से रहता है हमारा थोड़ी सी जो है, अदरवाइज क्या होता, ये 30 सितंबर तक हम प्रेशर में कर लेते, ठीक है, राइट, प्रेशर जरूर पड़ता, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि डेट एक्सटेंशन का कोई नुकसान है, ठीक है, डेट एक्सटेंशन हुई लेकिन सीधा 3 महीने एक्सटेंड हुई, तो 3 महीने तक हमारा जो है हो सकता है ये इंपैक्टेड रहे,
ठीक है, क्लाइंट साइड से हो सकता है हमारे को डॉक्यूमेंट आने में, क्योंकि क्या होता है ना, जब डेट एक्सटेंड नहीं हुई होती तो उस केस में हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी फटाफट आते हैं, हम उसकी प्रिपरेशन भी फटाफट करते हैं, हम पूरा माइंड अप्लाई करते हैं और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं विद इन टाइम फ्रेम, राइट। अभी क्या होगा, इसको सीधा अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक हो सकता है ये इंपैक्टेड रहे, हमारी ये प्रैक्टिस नहीं रहेगी, हम चाहेंगे इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करना, लेकिन मैं एक सिनेरियो बता रहा हूं, हम एक सिनेरियो डिस्कस करते कर रहे हैं ताकि आप और हम सब मिलके इसके अकॉर्डिंग प्लान कर सके, ताकि हमारा जो है टाइम सेव हो, राइट। तो टाइम तभी सेव होगा जब हम उसकी सिचुएशन, जो सिचुएशन आ सकती है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सिचुएशन इस तरीके से आ सकती है कि हमारा ये अक्टूबर मंथ में जो है ये लार्जली इंपैक्ट करेगा, और हल्का फुल्का हमारा नवंबर में इंपैक्ट कर सकता है, और कुछ हमारा दिसंबर के काम में भी इंपैक्ट ला सकता है, तो हमारे कहीं ना कहीं नेक्स्ट 3 मंथ भी इससे इंपैक्ट हो सकते हैं। तो मेरा यही कहने का मतलब था कि अपकमिंग जो हमारे टास्क रहेंगे वो इससे डिस्टर्ब हो सकते हैं, ये एक नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव भी है, डेट एक्सटेंशन है, थोड़ा सा रिलैक्स होके कूल माइंड होके प्रॉपरली जो है हम कार्य कर पाएंगे, ये बेनिफिट है, बिल्कुल है, लेकिन हमारे को दोनों साइड से सोच के चलना है, क्योंकि दोनों साइड से सोचेंगे तभी कहीं ना कहीं हम जो है सक्सीड करेंगे, आगे ग्रोथ का जो है ग्रोथ के बारे में सोच सकते हैं, बहुत सारी चीजें आगे प्लान हो सकती है। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि अपकमिंग टास्क जो है कहीं ना कहीं इससे इंपैक्टेड हो सकते हैं, साथ में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो है हमारे डिले हो सकते हैं, जो हमने सोचा होगा कि यार 30 सितंबर तक हम अपनी रिटर्न फाइलिंग के बाद हम अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ये हमें जो है टास्क कंप्लीट करने हैं, फर्दर हमारे ये प्रोस्पेक्ट्स हैं, इसको इसमें काम करना है, तो वहां पे भी इंपैक्ट हो सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है इंपैक्ट भी कर सकता है। तो हमें करना क्या है, बेसिकली हम ये डिस्कशन कर क्यों नहीं है, करना हम डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जो है इसके अकॉर्डिंग जो है अपना काम प्लान कर सकें, हम जो है ये नहीं है अब हमें 31 दिसंबर उसको डेट जो है सोच के चलने, हम टाइम फ्रेम ही इस तरीके से रखें कि इसको जो है जल्द से जल्द जो है इजिली बिल्कुल रिलैक्स्ड होके जो है लेकिन जल्द से जल्द इसको कंप्लीट कर सके, राइट। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी समझना होगा अब सिचुएशन वाइज, अब हम ऐसा अगर मान लेते हैं, अगर हम सैलरीड क्लास कैटेगरी में आते हैं या अगर हम बिजनेस क्लास कैटेगरी में आते हैं, तो हमें किस तरीके से, या हम कहते हैं हमारे सैलरीड बिजनेस के अलावा कोई अदर जो बाकी हेड ऑफ इनकम है उसमें फॉल कर रही है, तो कैसे कैसे जो है इंपैक्ट कर सकती है, राइट। इस बात को भी हम समझते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं, राइट, अब हम चलो चार्ट फॉर्म में इसको डिस्कस करते हैं कि अब हमें जो है किस तरीके से ये एक्सटेंशन के केसेस में वो इंपैक्ट करेंगी या नहीं करेंगी, और करेंगी तो कैसे करेंगी, हमें क्या प्लानिंग करनी है। मान लेते हैं हम सैलरीड क्लास में हैं, राइट, मान लेते हैं हम सैलरीड हैं, तो सैलरीड के केस में तो हमारे को अब डेट एक्सटेंड हो गई, राइट, डेट एक्सटेंडेड हो गई, ठीक है, लेकिन हमारा टैक्स वगैरह सारी चीजें हो चुकी हैं, कंपटीशन बन चुकी है, सारी चीजें जो है हम बना चुके हैं, और हम मान लेते हैं हमारे केस में हमारा जो है टैक्स वगैरह ज्यादा टीडीएस ज्यादा कट गया या जो भी है जिस तरीके से हमारा जो है रिफंड बन रहा, तो अगर हम रिफंड के केस में है हमारा अब डेट एक्सटेंड हो गई, तो नॉर्मल सी बात है हम जितनी जल्दी इसको फाइल करेंगे उतनी जल्दी ही वो प्रोसेस होगी और उतनी ही जल्दी उसका रिफंड इश्यू होगा, राइट। लिंक कर पा रहे हैं बात को, डेट एक्सटेंशन हुई लेकिन अगर हमारा रिफंड बन रहा है और हमारी सारी कैलकुलेशन रेडी है, तो हम उसको टाइमली हम इसको डिले क्यों करें, हम क्यों कहें कि हम अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक जाएं, अपना जो है सारी कैलकुलेशन हमारी है, हम रिटर्न फाइल करें, उसको प्रोसेस करें और उसको प्रोसेस कराएं और उसके बाद जो है हमारा ताकि रिफंड इश्यू हो जल्द से जल्द। मान लेते हैं हमारा रिफंड नहीं है, नो रिफंड, उस केस में क्या कर सकते हैं, उस केस में हमारा कोई, मान लेते हैं कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं है, हमारे को हमारे लिए क्या हो गया कि हमारा पेबल है, मान लेते हैं पेबल है या फिर हमारा रिफंड नहीं है, तो उस केस में हमारे हमारा जो है हम जो है उसको एक तरीके से अगर हमारा, लेकिन कंप्यूटेशन हमारी सारी चीजें हमारी ऑलमोस्ट फाइनल है, हमारा फॉर्म हम सैलरीड है, हमारा फॉर्म 16 जो है हमारे पास आ चुके, सब सारी चीजें जो है रेडी है, सब कुछ मैच्ड है, तो उस केस में हम क्यों डिले करें, फर्दर कोई डिले करके कोई फायदा है, उसको भी ऐसे केसेस में भी हमें फाइल कर देनी चाहिए ताकि हमारा, ठीक है कोई मॉनेटरी लॉस नहीं है लेकिन हम जो है फाइल करके बिल्कुल फ्री हो सकते हैं, उस केस में भी एडवाइजेबल यही रहेगा कि आप फाइल कर दीजिए टाइमली। रिफंड के केस में तो फाइल करना ही बनता है, क्योंकि क्या होगा कि जितनी जल्दी रिफंड के केस में जितनी जल्दी रिटर्न फाइलिंग होगी, जितनी रिटर्न फाइलिंग के बाद जो है उतनी ही जल्दी फाइलिंग होगी, उसके बाद प्रोसेस होगी और उतनी ही जल्दी हमारा रिफंड आएगा। नो रिफंड के केस में भी बेटर यही है कि अगर सारी चीजें रेडी हैं उसको फाइल कर दीजिए। अब हम बात करते हैं बिजनेस एंटिटी की, मान लेते हैं हम बिजनेस एंटिटी,
उसमें किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, अगर हमारी डेट अब एक्सटेंड हो गई है अब हमें क्या करना चाहिए। इस पर डिपेंड करेगा कि क्या हम रजिस्टर्ड हैं, हमारी जो है रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और अदर एक्ट। इसमें हमें यह देखना होगा कि हम जीएसटी और अदर एक्ट में रजिस्टर्ड हैं। मान लेते हैं अगर हम मान लेते हैं रजिस्टर्ड है, तो उस केस में अब हमारा आफ्टर डेट एक्सटेंशन जो है प्रायोरिटी थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी। उस केस में अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है अपना फाइनेंशियल ईयर 2021 की जो है फाइनलाइजेशन करनी होगी, रिकंसिलेशन करनी होगी और देखना होगा कोई हमारा इनपुट आईटीसी तो नहीं छूट रहा। तो ऐसा ना हो कि हमारे को रूल 36(4) का भी कंप्लाई करके चलना है, उसका भी देखना है, उस आईटीसी की एडजस्टमेंट करनी है और कोई और हमें आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का भी देखना है। तो हमें पूरी फाइनेंशियल ईयर 2021 की जो है फाइनलाइजेशन करनी होगी, रिकंसिलेशन करनी होगी। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमें जो है, क्योंकि हम सब जानते हैं उसके लिए हमें सितंबर मंथ का जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, राइट। तो उसके लिए हमारी अभी इनकम टैक्स से प्रायोरिटी हट के जो है जीएसटी के लिए जो है शिफ्ट हो जानी चाहिए सितंबर मंथ के लिए। और अदर एक्ट में है कंपनी फॉर्म है वो, तो कंपनी के केसेस में जो कंप्लायंसेस बन रहे हैं उसमें जो है, जैसे अगर हम कहें DIR 3 KYC जो है फाइल करनी होगी, पार्टनरशिप फॉर्म है ठीक है, अगर LLP रजिस्टर्ड है, तो ऐसे केसेस में जो है हमारे को जो है अदर कंप्लायंसेस भी हमारे को जो है कंपनी कंप्लीट करने हैं, क्योंकि इसकी ड्यू डेट है यहाँ पे भी 30 सितंबर 2021 है। तो हमारी यहाँ पे जो है, हमारी यहाँ पे अभी प्रायोरिटी जो है शिफ्ट हो जाएगी टेम्परेरी, क्योंकि इनकम टैक्स की डेट बढ़ गई लेकिन अदर कंप्लायंसेस की जो डेट है वो जो है हमारी वही है। तो वहां पे हमें उसकी तरफ जो है पहले वो वाला काम करना होगा और फिर जाके जैसे ही हम अदर एक्ट के हिसाब से जो है फाइलिंग वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम दोबारा से जो है अपनी इनकम टैक्स की फाइलिंग जो है फाइनलाइजेशन में दोबारा से आ जाएंगे। अब मान लेते हैं हम अगर रजिस्टर्ड अदर एक्ट्स में रजिस्टर्ड नहीं है, हम जीएसटी में नहीं आते, अदर एक्ट में वगैरह में नहीं आते, उस केस में क्या करना है हमें, उस केस में भी जो है हमारी हमारे को रिटर्न तो फाइल करनी है, राइट। हम एक्ट जो है अदर एक्ट में नहीं है लेकिन इनकम टैक्स की रिटर्न जाएगी, बिजनेस एंटिटी की है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर 2021 की जो है बुक्स ऑफ अकाउंट जो है फाइनल करनी। अगर हमारी बुक्स जो है बुक्स ऑफ अकाउंट मैंडेटरी हम फॉल करते हैं और हमारे को बुक्स ऑफ अकाउंट जो है बनानी है, तो हमें जो है इस तरीके से हम अदर एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, तो हमारे को क्या करना होगा, हमें अब आराम से अपनी 2021 की जो है बुक्स को जो है फाइनल करना होगा, राइट। तो ये अलग अलग सिचुएशन बन के आ जाती है। तो इस तरीके से जो है हमें अपने काम को जो है चेंज करना होगा ड्यू डेट, क्योंकि हम चेंज जब तक नहीं करेंगे ना, हमें प्रायोरिटी डेट एक्सटेंड हो गई इसका मतलब ये नहीं है हम सीधा लास्ट ड्यू डेट पे पहुंच जाएं, हमें अपना जस्ट प्लान आउट जो थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, जस्ट प्लान आउट को चेंज करके जो है उसको भी कोशिश करना है कि जल्दी से जल्दी हम उसको कवर करें। इसके अलावा हमारी कोई अदर इनकम आ जाती है, इसके अलावा कोई और इनकम है, अदर इनकम है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज इनकम है, और हमारी कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, तो ऐसे केसेस में भी हमारा डिपेंड करता है कि हमारी टैक्स लायबिलिटी क्या है। जैसे अभी एक्सप्लेनेशन की बात करी थी ना हमने, एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 234A, ये हमने अभी डिस्कशन करी थी, हमने मेनली सर्कुलर नंबर 9/2021 में डिस्कशन करी है कि हमारे को जो है अगर 1,00,000 से ऊपर की लायबिलिटी है उस केस में जो है इसकी जो इंटरेस्ट लगना होगा वो लगेगा ही लगेगा, उस डेट जो है उसके लिए एक्सटेंड नहीं हुई है, राइट। तो वहां पे हमें देखना होगा कि हमारी नेट टैक्स लायबिलिटी जो है कितनी बन रही है। तो अदर इनकम के केसेस में तो वहां पे भी हमारे को बेटर है कि अगर हमारी लायबिलिटी ज्यादा है तो वहां पे भी हम टाइमली उसको कंप्लाई कर ले ताकि हमारा इंटरेस्ट पार्ट जो है सेव हो सके। तो इस तरीके से डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट जो है हमारी जो है प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी, राइट। बेसिकली बात ये है समझने की, हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझना होगा उस एक्सटेंशन को। हमें गवर्नमेंट ने डेट बढ़ा दी, ठीक है, उसने अपने लिए टाइम जो है अरेंज कर लिया, उसने जो है इंफोसिस को टाइम दे दिया, लेकिन हमें अपने लिए समझना है कि हम सैलरीड क्लास, अगर हम सैलरीड क्लास हैं, अगर हम बिजनेस एंटिटी हैं, हम टैक्स प्रोफेशनल हैं, तो हमें कैसे प्लानिंग करनी है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से जो है हमने भी अपना वे आउट चेंज किया कि किस तरीके से ताकि ऐसा ना हो जो हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं वो इंपैक्टेड हो जाएं, हम अपने काम को नहीं चाहते कि हम जो है दिसंबर तक उसको डिले करें, अगले कैलेंडर ईयर 2022 तक की जो ड्यू डेट है वहां तक पहुंचे, उसको हमने जो है जल्दी से जल्दी कंप्लाई करना है ताकि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो है उस पर काम कर सकें और ग्रोथ में जो है हम काम कर सके। तो इसलिए जो है
इसलिए ये डिस्कशन बहुत ज्यादा जरूरी थी। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो जरूर होनी चाहिए कि किस तरीके से जो है हमको अपना टाइम जो है सेव करना है। प्रोफेशनल के लिए टाइम जो है सबसे ज्यादा जरूरी है, एज अ प्रोफेशनल हम प्रोफेशनल कलीग्स सबके लिए जरूरी है, और जो बिजनेस एंटिटी है उनके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उनका भी टाइम टाइमली ये सारी कंप्लायंसेज होंगी, वो भी टेंशन फ्री होते हैं। टेंशन फ्री होके जो बिजनेस रन हो सकता है वो अगर इस इन चीजों में अगर फंस जाता है तो बिजनेस मैन जो है कहीं ना कहीं इंपैक्टेड रहता है, उसका वो ध्यान नहीं दे पाता, उसका माइंड जो है इन चीजों में ऑक्यूपाइड रहता है, तो फिर अपने वो बिजनेस में नहीं दे पाता, और बिजनेस में फिर जो है उसको ट्रांजैक्शंस में लॉसेस होते हैं, कहीं ना कहीं जो है उसका बिजनेस इंपैक्ट होता है। सैलरीड क्लास के लिए भी है कि वो अपना टाइमली कंप्लाई करे, उसको रिफंड मिलना है रिफंड मिले, और या उसको रिफंड नहीं है, टैक्स पेबल है, या नो रिफंड है, तो उस केसेस में भी उसका जो है टाइमली कंप्लाई हो और वो भी फ्री हो। बेसिकली पर्पस ये है कि हमें अकॉर्डिंगली प्लान करना है, राइट। तो आज की इस डिस्कशन में आपको ये कैसा लगा कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्हीं चीजों के बेसिस पे जो है आप जो है फीडबैक जो देंगे उसी से ही मोटिवेशन मिलता है, उसी से पता लगता है कि हम जो सोच रहे हैं माइंडसेट जो लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम सबने ये चीजें जो है कंक्लूजन जो निकाले हैं वो डिस्कशन के साथ निकाले हैं कि नहीं यार डेट जो बड़ी है ठीक है, लेकिन हमें जो है हम सबको एज अ प्रोफेशनल एज अ टैक्स पेयर सबको जो है प्लान उसके अकॉर्डिंगली करना होगा, और जो हमने प्लानिंग करी वो आपके साथ में डिस्कशन करी ताकि आपके लिए भी ये हेल्पफुल हो। तो आपको ये कैसे लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा, आपकी क्या राय है इसके लिए बारे में जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरे को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि आपको तक इन्फॉर्मेशन पहुंची, अगर आपको फायदा हुआ इससे तो हो सकता है यार आपके शुभचिंतक आपके भी आगे लोगों को भी फायदा हो, तो इसको शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि नॉलेज जो है वो बढ़नी वो जितना बांटे उतना अच्छा है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज जरूर आगे जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो को इसी डिस्कशन के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।